हेलो स्टूडेंट्स लेट एस स्टार्ट विथ स्टोरेज डिवाइसेस पार्ट ऑफ चैप्टर वन स्टोरेज डिवाइसेस व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस कैन यू गेस? यस, जो कि स्टोर करने का काम करता है ऐसे डिवाइस को हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं अब यहाँ इस टर्म में हम स्टोरेज डिवाइसेस किसे बोलेंगे देखो क्योंकि मेमोरी रिलेटेड है तो कंप्यूटर मेमोरी कहाँ स्टोर करता है भैया है ना तो ये सब चीज़ें आती हैं कंप्यूटर मेमोरी के इसमें तो स्टोरेज डिवाइसेस कौन से कौन से यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स में हम लोग वो सीखेंगे आज स्टोरेज डिवाइसेस इनेबल यू टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन दे। द स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज़ कंप्यूटर मेमोरी हम क्या बोलेंगे उसे कंप्यूटर की मेमोरी बोलेंगे ठीक है तो दो तरीके की मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, राइट तो यहाँ पे वही बताया है आपके बुक में देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलेंगे इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी उसे बोला जाता है ठीक है और इसके दो टाइप होते हैं जैसे प्राइमरी मेमोरी यहाँ दिया है ये दो टाइप के हैं रैम और रोम रैम एंड रोम आर टू मेजर टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमरी देन रैम अब रैम क्या होता है रैम के बारे में बताया इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमरी रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमरी सो बच्चो आपको नोटबुक में इस बुक के अंदर जो भी शॉर्ट फॉर्म दिए है वो शॉर्ट फॉर्म और उसके फुल फॉर्म्स वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी ताकि आपका पूरा प्रॉपर मैनर में जाए ठीक है ओके रैम क्या होता है इट इज़ कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड जो कि डेटा को सेंड करता है और रिसीव करता है और हाई स्पीड आपने सुना होगा जब भी मोबाइल परचेस करने जाते हो या लैपटॉप परचेस करने जाते हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर ठीक है तब रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिकेशन दिया जाता है उसमें पूछ पूछा जाता है कि रैम कितना है भाई कितने जीबी का है पहले तो एम में आता था अभी जी में और टेराबाइट्स में भी आने लगा है ठीक है तो रैम की कैपेसिटी कितनी है तो जिसकी वजह से स्पीड मिलता है कंप्यूटर में अगर आपका रैम ज़्यादा जीबी का है तो उसकी कैपेसिटी हाई है ऐसा हम बोल सकते हैं तो स्पीड भी हाई हो जाएगा और ये क्या हो होता है टेम्पररी होता है इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर किया जाता है ना वो परमानेंट नहीं रहता है टेम्पररीली रहता है इसीलिए इस मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है जैसे कि स्विच ऑफ अगर हो जाए तो उसके बाद वो डेटा वोलाटाइल हो जाएगा उड़ जाएगा वोलाटाइल होना मतलब हम नहीं बोलते कि भाई डेटा जैसे कि कभी आप वर्ड फाइल या नोटपैड फाइल कुछ बना रहे हो वहाँ पर लिख दिया लेकिन सेव नहीं किया और पावर ऑफ हो गया बीच में ही लाइट चली गई तो क्या आपकी वो फाइल सेव रहती है नहीं ना सिमिलरली यहाँ पर वही कंसेप्ट है कि ये टेम्परि स्टोर करता है जिसकी वजह से आपको स्पीड मिलता है अब ये रैम दिखता कैसे है रैम लुक्स लाइक दिस देखो रैम ऐसा दिखता है एक ग्रीनिश कलर की चिप है वो एक्सटेंडेबल भी होता है आपके इसमें टू जी बी का रैम आया तो एक्सटेंडेबल भी देते हैं स्लॉट्स होते हैं वहाँ पर हार्डवेयर जो होता है ना कंप्यूटर का सी के अंदर उसके अंदर ये रैम का चिप लगा होता है ये रैम है और ये रोम है ये एक आई की तरह होता है रोम देखो इसके ऊपर कुछ लिखा होता है उसके स्पेसिफिकेशंस की कौन सी चिप कौन सा है ये रोम क्या होता है रैंडम एक्सेस रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी लेकिन रोम होता है रीड ओनली मेमोरी रोम को क्या बोलेंगे हम रीड ओनली मेमोरी so it holds instructions put by the manufacturer to operate the computer computer को operate करने के लिए उसके manufacturer ने जो भी instruction का set बना रखा है ना manufacturing जिस जैसे होता है कि इस computer को handle करने के लिए कुछ instructions की जरूरत है तो वो manufacturer पे रहता है जैसे पता है ना यहाँ पर क्या है it is और परमानेंट मेमोरी उसमें इसके अंदर सेट डाल के दिया हुआ होता है इंस्ट्रक्शंस का सो so, वो मेमोरी जो होती है रॉम जिसे हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं हम उसे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हम सिर्फ रीड कर सकते हैं जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया हमने ठीक है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है हम लोग उसे ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट एक्चुअली स्टूडेंट्स सो डोंट गेट कन्फ्यूज विथ दैट हमें सिर्फ मेमोरी रिलेटेड बताना है इसीलिए कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट ऐसा होता है जो हम चेंज नहीं करेंगे सिर्फ रीड करेंगे इतना ही ध्यान रखना है ठीक है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी और ये क्या होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी ठीक है ये उड़ती नहीं है नॉन वोलेटाइल होती है अभी क्या है सेकेंडरी मेमोरी देखिए यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी के दो पार्ट थे एक था प्राइमरी दूसरा था सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा एक है रैम और दूसरा है रोम अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ इसमें तीन टाइप की मेमोरी है हार्ड डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव पेन ड्राइव तो सबने देखा ही होगा है ना आजकल आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो ना ज़्यादा पेन ड्राइव में डेटा रखते हो सारे है ना और कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी कुछ दिनों पहले सीडी ज़्यादा चलता था अभी भी आपने एनुअल फंक्शन का सीडी लिया होगा मे बी सो सीडी में भी क्या होता है पर्टिकुलर मेमोरी होती है कुछ एम तक वो प्रोवाइड करते हैं आपको जनरल नॉलेज के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि डीवीडी की कैपेसिटी कितनी होती है और सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है तो कितनी स्पेस उसमें होती है ठीक है ये आपको मुझे बताना है ठीक है और हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितने तक हो सकती है ये भी आप सर्च करके पता कर सकते हो ऑनलाइन भी सर्च करोगे आपको आंसर मिल जाएगा है ना बट यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज़ द करेक्ट आंसर जस्ट फर्स्ट गूगल करिए और सर्च करिए ठीक है मैं पूछूंगी आपसे नाउ सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज द एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी कैसी होती है एक्सटर्नल होती है एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम जैसे कि वो उसके अंदर इनबिल्ट नहीं है जैसे कि सी के अंदर मेमोरी जो हार्ड डिस्क की हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनल है ठीक है अब एक्सटर्नली कौन सी होती है सी है हार्ड डिस्क है अलग से अलग से जो हार्ड डिस्क हम बाहर से यूज़ कर रहे हैं वो फिर पेन ड्राइव ठीक है अब ये एक्सटर्नल मेमोरी हुई कंप्यूटर की इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा फॉर लॉन्ग टाइम बहुत सारे टाइम तक जब डेटा आपको स्टोर करके रखना होता है सो दैट इज़ द सेकेंडरी मेमरी और एक्सटर्नल मेमरी इट ऑपरेट्स एट स्लोअर रेट देन द प्राइमरी मेमरी प्राइमरी से इसका स्पीड थोड़ा कम होता है क्योंकि बाहर से डेटा अंदर लाना और फिर उसे एक्सेस करना ऐसे चीज़ होती है इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है सेकेंडरी मेमरी इज़ अ परमानेंट इन नेचर वो हमेशा वहाँ सेव कर दिया तो रहेगा डेटा डेटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमरी आर नॉट लॉस्ड वेन द कम्प्यूटर इज स्विच टॉप अब कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो गया लेकिन उसके अंदर हमने अगर कॉपी करके रखा है तो सेव हो गया है अब वो नहीं जाएगा ठीक है स्विच ऑफ भी करने से नहीं जाएगा वो परमानेंट तरीके का डेटा है ठीक है परमानेंट मेमरी है ठीक है सो इट इज़ कॉल्ड द नॉन वोलेटाइल मेमरी डेटा उड़ नहीं जाता है वैसे क्या वैसे ही रहेगा मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ क्यों क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रहे सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ता नहीं है डेटा परमानेंट रहता है ठीक है इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी और वो क्या होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती होती है ठीक है एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर हार्ड डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव ओके okay, क्लियर तो हम लोगों ने आज देखा आपको ये जो डायग्राम है ये डायग्राम ड्रॉ करने रहेंगे सारे चैप्टर के जब नोट्स प्रोवाइड होंगे ना आपको तो आपको प्रॉपरली ये लिखना है मैंने एग्ज़ाम के लिए चैप्टर नंबर वन रखा है क्योंकि आपके चैप्टर वन बहुत ही बल्कि है बहुत बड़ा सारा चैप्टर है इसलिए मैंने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और चैप्टर वन के साथ रखा है क्योंकि बाकी के प्रैक्टिकल्स जैसे वर्ड है एक्सेल है पावर पॉइंट है ये सारी चीज़ें तो कॉमनली आपको पढ़ानी ही हैं और हमारे चैनल पर आपको इसकी वीडियोस थोड़े ही दिनों में अवेलेबल हो जाएगी आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ सो डोंट वरी स्टूडेंट्स ऑल दी वीडियोस यू विल बी गेटिंग सून ओके यू जस्ट प्रैक्टिस दिस थियरी पार्ट फर्स्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल्स वेरी सुन ओके नेक्स्ट बैकिंग अप ऑफ डेटा डेटा का बैकअप कैसे होगा बैकिंग अप रेफर्स टू कॉपिंग ऑफ फाइल्स और डेटा टू द डिफरेंट मीडियम सी डी और पेन ड्राइव इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम विद द मेन और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ हार्ड डिस्क बैकिंग अप फाइल्स ऑन द डेटा एंड द डेटा ऑन रेगुलर बेसिस इज सीन एज गुड कंप्यूटिंग प्रैक्टिस देर आर वेरियस रीजन्स वाई बैकअप्स आर मेड लेट लर्न अबाउट सम ऑफ दम अब बैकअप क्यों चाहिए होता है क्यों चाहिए होता है टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ डेटा ड्यू टू फेल्यूर ऑफ ओरिजिनल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ठीक है अगर कभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फेल हो गया इसीलिए हमें बैकअप जरूरी होता है डेटा को सेफ रखने के लिए टू सेफ गार्ड अगेंस्ट डैमेज कॉज बाय हैकर कभी कभी हैकिंग हो जाता है तो हैकर से भी हमारा डेटा सेफ रहे जैसे ये चीज़ कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगी सिक्योरिटी की बैंक्स में है ना तो बैंक्स में क्या होता है बैकअप हर एक इसका अकाउंट नंबर ये वो बहुत सेंसिटिव डेटा सारी और पैसों से रिलेटेड है है ना बैंक में ज़्यादा ज़रूरी है दूसरा तो है हॉस्पिटल्स ठीक है हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी सारी फाइल्स आ, कौन से पेशेंट का क्या हिस्ट्री है उसकी सारी इमेजेस वगैरह सेव होती है तो ऐसा डेटा भी प्रॉपर रखना ज़रूरी होता है है ना बच्चों तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं छोटी है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें है लगती छोटी है पर बड़ी है इसलिए हम लोग इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं एंड देन दैट्स वाई बैकअप्स आर नेसेसरी फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज़ बैंक अकाउंट डिटेल्स वही एग्जाम्पल उन्होंने भी दिया बैकअप्स आर ऑल्सो मेड इन केस ऑफ फाइल्स नीड टू बी यूज एल्सवेयर दिस प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल्स अगेंस्ट पॉसिबल करप्शन और लॉस अब यहाँ पर कभी कहीं और फाइल अगर लेके जानी है देना है तो ये उसमें भी काम में आता है ठीक है तो ये बैकअप्स इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सो नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू नेक्स्ट